प्यार का पंचनामा। हे कैसे जिंदगी जी रहे हैं यार हम। लव मैरिज के बाद तकलीफें बढ़े तो माँ बाप कहेंगे कि हमने तो पहले ही बोला था। अरेंज मैरिज के बाद तकलीफें बढ़े तो कहेंगे कि ये सब तो चलता रहता है, एडजस्ट करना सीखो, एडजस्ट करना सीखो। और सिर्फ आई लव यू बोलने से ही प्यार नहीं होता, प्यार करने के लिए ईगो और एटीट्यूड को भी भूलना पड़ता है। एक दूसरे की केयर और रिस्पेक्ट करना होता है और ईगो और एटीट्यूड को भी भूलना पड़ता है। एक दूसरे के केयर और रिस्पेक्ट भी करनी होती है। आजकल के रिश्ते तो जैसे ब्लूटूथ जैसे हो गए हैं। पास आओ तो कनेक्ट और दूर जाओ तो सर्चिंग फॉर अ न्यू डिवाइस। क्या? सर्चिंग फॉर अ न्यू डिवाइस। काश हमारे लाइफ में भी एक डिलीट का बटन होता तो हम भी कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोगों को और कुछ यादों को जरूर डिलीट कर देते। तो ओके यार, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। एक लड़का लकी तब होता है अगर वो किसी लड़की का पहला प्यार है, लेकिन एक लड़की लकी तभी होती है अगर वो किसी लड़के का आखिरी प्यार है। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से सुनना, कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिसे हम कभी भी खोना नहीं चाहते। और एक स्पेशल लाइन में कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, जब लड़की साथ देती है तो लड़का धोखा देता है, जब लड़का साथ देता है तो लड़की धोखा देती है, तो जब दोनों ही साथ देते हैं तो किस्मत धोखा दे देती है। तो यार कितनी मतलब कि अजीब बात है। इसके वजह से हमारा प्यार का जो है पंचनामा हो जाता है। उसके बाद जब लड़की साथ देती है तो लड़का धोखा देता है, जब लड़का साथ देता है तो लड़की धोखा दे देती है, जब दोनों ही साथ देते हैं तो किस्मत धोखा दे देती है। तो ये अजीब तो आप लोग को लग रहा होगा, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। और दुनिया की सबसे कीमती चीज पता है क्या है? आंसू। क्या है? आंसू, जिसमें 1% पानी और 99% क्या होती है? फीलिंग होती है। क्या होती है? फीलिंग। क्या होती है? फीलिंग होती है। तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा कि प्यार का पंचनामा कैसे होता है। तो आप इस पोस्ट पर आए हो या इस वीडियो पर आए हो तो इस वीडियो को आप लोग को कितने अंक देने चाहिए, 10 में से आप लोग इस वीडियो को कितने अंक देंगे वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को प्यार से रिलेटेड, लव से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने को मिलने वाले।